नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। लोकसभा चुनाव 2019 छठे चरण के चुनाव पूरे देश में अलग अलग जगह 64.50% मतदान हुए। ये आंकड़े चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से लिए गए हैं, जिसकी स्टेट वाइज रिपोर्ट कहती है कि बिहार में 59.29% मतदान हुए, वहीं हरियाणा में 70.32% मतदान हुए, मध्य प्रदेश में 65.25% मतदान हुए, वहीं उत्तर प्रदेश में 54.93% मतदान हुए, वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक यानी 83.91% मतदान हुआ, झारखंड में 64.64% मतदान हुए। इसके अलावा दिल्ली में 60.51% मतदान हुए। जी हाँ, 17वीं लोकसभा के लिए 12 मई के दिन रविवार को हरियाणा में 223 प्रत्याशियों का इम्तिहान शुरू हो चुका था। वोटिंग चल रही थी और बूथों पर लंबी लंबी लाइनें थी। पल पल के लाइव अपडेट और रुझान दोनों को देखने के लिए लोग टीवी चैनलों पर आंखें गड़ाए बैठे थे। प्रदेश में करीबन 1,80,56,896 मतदाता मतदान कर रहे थे। वोटिंग सुबह ठीक 7 बजे शुरू हो गई थी और शाम 6 बजे तक चली, जिसकी मतगणना 23 मई को होगी। आपको बता दें कि शाम 6 बजे तक मतदान केंद्रों पर जितने भी मतदाता लाइन में लगे थे, उनको वोट डालने के लिए अतिरिक्त समय भी दिया गया था। अब हम बात कर रहे हैं हरियाणा लोकसभा क्षेत्र की, जहां पर मतदान के लिए 94,433 मतदान केंद्र बनाए गए, 5,502 मतदान केंद्र शहरी क्षेत्रों में और 13,931 केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए थे। आपको बता दें कि मतदान के दिन जो इतिहास में पहली बार हो रहा है, वो था अस्थाई, किसी भी आपात स्थिति में हवाई प्रबंध के लिए एक हेलीकॉप्टर भी तैयार किया गया था। प्रदेश में कुल मतदाताओं के 97,16,516 पुरुष मतदाता और 83,40,173 महिला मतदाता और 207 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। इनमें 1,05,859 सर्विस वोटर हैं व 1,04,534 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं हरियाणा लोकसभा क्षेत्र की, जिसमें मैं आपको बता दूं कि 70.31 और कहीं कहीं हरियाणा के विधानसभा क्षेत्रों में यह आंकड़ा अलग अलग हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार हरियाणा में 70.31% मतदान हुए हैं, जिसमें अंबाला 71.12%, कुरुक्षेत्र 74.38%, सिरसा 75.51% तथा हिसार 72.16% है। वहीं अगर करनाल की बात करें तो 68.54%, सोनीपत 70.72% है, रोहतक में 70.55% मतदान हुए। ये पूरे हरियाणा के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए आंकड़े हैं, जो पूरी तरह से स्पष्ट और सही हैं। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट।